जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। एसएससी जीडी के हम लोग स्पेशल क्लास ले रहे थे जिसमें हमने नंबर सिस्टम की बात स्टार्ट की थी। नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर की बात हो गई थी जिसमें हमने नंबर्स की बेसिक जानकारी दी थी जिससे कि आप आगे चल के नंबर्स की जब भी बात आए उसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान, जातीय मान और साथ में यूनिट डिजिट की बात हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पिछले सेशन को आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी 2022-23 के नाम से ऐसे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जाकर इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद से उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ में मैथ्स विहार का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहां पर हम देते रहते हैं तो आपको अपडेट समय समय से पता चलते रहेंगे। चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड ए फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड ए फेस वैल्यू की हम लोग बात करने वाले हैं। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। क्या बोलेंगे बच्चों? स्थानीय मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। क्लियर? फेस वैल्यू जातीय मान और फेस वैल्यू स्थानीय मान। क्लियर? अभी दोनों में अंतर क्या है? दोनों में आप सिंपल सा अंतर समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप हो गए, आप अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग है उस समय समय पर चेंज होती रहती है, कभी यहां पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग। तो चेंज क्या होता है? चेंज, तो चेंज आपका प्लेस होता है। समय समय पे चेंज क्या होगा? प्लेस चेंज होगा। क्या आपका फेस चेंज होगा? क्या आपका जो फेस है कभी चेंज होगा? फेस में हल्का फुल्का फिर या फिर माइनर चेंज आप बोल सकते हैं वो आता है, फेस बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जो आपका फेस है आज से 10 साल के बाद बदलाव तो होगा लेकिन माइनर चेंज आएगा, माइनर बदलाव आएगा, थोड़ा बहुत आपको चेंज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पहचाना नहीं जा सकता है, आपको आसानी से इजीली आपको पहचाना जा सकता है आज से 10 साल के बाद भी। क्लियर? तो आपका बदलता क्या है? तो आपका प्लेस बदल जाएगा, प्लेस बदल जाएगा लेकिन फेस आपका नहीं बदलेगा। फेस क्या आपका चेंज होगा? अब ऐसा मत बोलिए कि भाई हम बचपन में ऐसे थे और बड़े होने के बाद ऐसे हो गए। तो बचपन की और आपका जो है 30 साल 35 साल की उम्र की अगर आप तुलना कीजिएगा तो वहां पर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वहां पर तो चेंज हो ही जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे 20 साल की एज में आप हैं और आप 30 साल के बाद आप अपने आप को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंज आएगा। फिर आप 30 साल की एज में हैं, 5 साल बाद मतलब 35 साल 36 साल 37 साल की एज में देखेंगे अपने आप को तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। क्लियर? तो फेस में बदलाव बिल्कुल नहीं होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, आपको जो है हल्का फुल्का चेंज मिल जाएगा लेकिन प्लेस में बदलाव पूर्ण रूप से हो जाता है। जैसे आप अभी अपने घर पे, अपने घर पर होंगे, अपने रूम पर होंगे, अभी आपका कोचिंग क्लास से हो सकता है कि अभी पूजा वगैरह चल रहा है तो बंद होगा, अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद से जब आपका कोचिंग क्लास शुरू होगा आप अपने घर से कोचिंग जाएंगे तो आपका प्लेस बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। प्लेस आपका घर से कोचिंग गए तो कोचिंग आपका घर पर तो नहीं होगा, घर से दूरी पर होगा, कोचिंग गए तो वहां पर क्या हो गया? आपका प्लेस बिल्कुल चेंज हो गया। या आप अपने घर से मार्केट जाते हैं तो मार्केट गए तो प्लेस बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। आपका घर का जो प्लेस है क्या मार्केट का प्लेस वैसे ही होता है? बिल्कुल नहीं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, आपके घर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। तो वही बात आपको यहां पर समझना है कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये क्या होगा? ये आपको हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा।
प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होगा, प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान हमेशा क्या होगा चेंज होगा, लेकिन जो जातीय मान होगा, जो फेस होगा, जिस प्रकार से हम लोग का फेस चेंज नहीं होता है उसी प्रकार से फेस वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे बच्चों कि फेस वैल्यू जिस प्रकार से हमारा फेस चेंज नहीं होता है, हमारा चेहरा चेंज नहीं होता है, उसी प्रकार से फेस वैल्यू भी जातीय मान भी आपका चेंज नहीं होगा। क्या आपकी जाति चेंज होती है? आप एक की जाति चेंज होती है, जैसे आप पंडित हैं, आप जो है मान लीजिए कि आप जो है यादव हैं, या फिर आप जो है मतलब कि किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति तो वही रहती है, क्लियर, आपका फेस वही रहता है। तो वही बात यहां पर भी है कि फेस वैल्यू या जातीय मान कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू आपका चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा, क्लियर, हमेशा वो चेंज होगा। अब इसको आप एग्जांपल समझिएगा, जैसे आपसे हम बोले कि भाई ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, नंबर आप सामने एक लिख दिया आप 6 7 2 8 9 7 3 ऐसे हमने लिख दिया, क्लियर। तो आपको यहां पर ये देखिए 7 दिख रहा है, 7, तो इसमें हम बोले कि संख्या है, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू, देखिए पीवी का मतलब क्या है बच्चों, प्लेस वैल्यू, एवं आपसे क्या पूछ दिए 7 का ही फेस वैल्यू बतावें। देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपसे क्या पूछा है, तो 7 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू भी आपसे पूछा है मतलब जातीय मान भी आपसे हमने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए 7 दो बार है, देखिए 7 यहां पर भी है और 7 यहां पर भी है, क्लियर, 7 वहां पर भी है, 7 यहां पर भी है। तो इस वाले 7 का भी फेस वैल्यू हम बोल रहे हैं, इस वाले 7 का भी फेस वैल्यू 7 ही होगा, और इस वाले 7 का भी फेस वैल्यू 7 ही होगा। देखिए इस वाले 7 का अगर हम फेस वैल्यू निकाले, FV मतलब फेस वैल्यू, वो 7 ही होगा, और इस वाले 7 का फेस वैल्यू निकालें तो भी कितना होगा, 7 भी होगा, क्लियर है। फेस वैल्यू एक ही डिजिट एक नंबर में कई बार आ जाए, कहीं पर भी रहे, उसका फेस वैल्यू हमेशा वही होगा, वही डिजिट होगा, क्लियर, फेस वैल्यू क्या होगा, वही डिजिट होगा, क्लियर है बात। एक ही डिजिट एक ही नंबर में कई जगहों पे कहीं पर भी आ गया तो वो उसका फेस वैल्यू वही रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे नंबर में 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है। इस वाले 7 का भी फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है, क्लियर, 7 ही है, क्लियर है। अब हमें बात करना है प्लेस वैल्यू, क्लियर है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लियर, प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए 7 6 7 2 8 नंबर हम लिखे हैं, 9 7 3 ये हमारा नंबर है, क्लियर। और आपको अब हम आपको सिखा रहे हैं क्या, प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान निकालना। अब बताइए आप कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि यह है इकाई का अंक, क्लियर, ये है दहाई का अंक, ये है सैकड़े का अंक, ये है हजार, ये है 10,000 और ये है क्या, तो ये है सैकड़ा, सॉरी 10,000 के बाद से आपका लाख हो गया, और ये हो गया क्या, 10,00,000 हो गया, क्या हो गया, ये 10,00,000 हो गया, ये आपका 10,00,000 हो गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, सॉरी यहां पे हम गड़बड़ दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000 और ये 10,00,000 हो गया, क्लियर। तो आप ये बताइएगा, समझिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000 और ये 10,00,000 हो गया। तो इसमें समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इकाई का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1 से गुणा, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इकाई का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इकाई डी अंक पे या फिर इकाई स्थान पे जो भी डिजिट होगा
उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए एक से गुणा करते हैं, दहाई में हम लोग दस से गुणा करते हैं, सैकड़े में सौ से गुणा करते हैं, हजार में एक हजार से गुणा करते हैं, दस हजार में आपको दस हजार से गुणा करते हैं, ऐसे वो प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, इसका आसान तरीका बता रहे हैं, इसका बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा बच्चों कि यहां पर अगर हमको तीन का क्या निकालना हो, स्थानीय मान निकालना हो, स्थानीय मान निकालना हो, तो तीन में आप क्या कीजिएगा कि चूंकि तीन के इधर कोई अंक है ही नहीं, तो तीन का स्थानीय मान केवल आपका तीन ही हो जाएगा। तीन का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, केवल तीन ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि इधर आपको जो है कुछ है ही नहीं, साइड ही साइड, इसे मतलब कि दाई और कोई अंक है ही नहीं, तो तीन ही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब जब हम सात का निकालेंगे, सात का समझिएगा, सात का हम निकालेंगे तो सात के दाईं ओर केवल एक डिजिट है, तो सात लिखिए और इस पर एक जीरो बैठा दीजिए, सात लिखिए और एक जीरो बैठा दीजिए। इसी प्रकार से जब हम नौ का निकालेंगे तो नौ लिखिए और नौ के इधर कितने डिजिट, दाईं ओर कितने डिजिट, दो डिजिट है, दो अंक है, तो आप पे दो जीरो बैठा देंगे। आठ का निकालिएगा तो आठ लिखिए और आठ के दाहिने इधर इस साइड कितने अंक है, तो एक दो और तीन हो गया, तो ये एक दो और ये तीन ऐसे बैठा दिए। अब हम दो का निकाले, दो का तो इसी प्रकार से दो लिखेंगे और इधर चार है तो इधर चार जीरो बैठा दिए। सात का निकालें तो ये सात लिखेंगे और इधर आपको पांच डिजिट है, दाई ओर देखना है, तीन चार और ये पांच बैठा दिए। और छह का निकालें तो छह पे आपको छह जीरो बैठाएंगे, तीन चार पांच और ये छह जीरो आपको हमने बैठा दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं स्थानीय मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों? स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने का सिंपल सा फंडा बस ये है कि भाई आप क्या कीजिए कि अगर इकाई की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी डिजिट को आप पकड़ लीजिए, जैसे आपको नौ का निकालना है तो नौ को पकड़ लीजिए, और नौ को पकड़ने के बाद से देखिए नौ के दाईं ओर मतलब इस साइड इधर इधर कितने डिजिट आ रहे हैं, जितने आएंगे उतना उस पर जीरो बैठा दीजिए। जैसे हमको दो का निकालना है तो दो को हम पकड़ लिए और दो के दाईं ओर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो एक दो तीन चार, तो हम चार जीरो बैठा दीजिए। छह का निकालना है तो छह को पकड़ लिए और छह के दाहिने कितने अंक, तो तीन आ तीन छह, तो छह जीरो हम यहां पर बैठा दिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप हर एक नंबर का जो यहां पे प्लेस वैल्यू है, तो चूंकि प्लेस चेंज हो रहा है, ये इकाई का प्लेस है, ये दाही का प्लेस है, ये हजार का प्लेस है, नहीं सॉरी, सैकड़े का प्लेस है, ये हजार का प्लेस है, ये दस हजार का प्लेस है, तो जब प्लेस चेंज हो रहा है तो आपको डिजिट्स के जो प्लेस वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस वाले सेवन का प्लेस वैल्यू 70 है, इस वाले सेवन का प्लेस वैल्यू 70 है, और इस वाले सेवन का प्लेस वैल्यू आपको जो है इतना आपको दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है आपको। क्लियर? तो दोनों सेवन का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन दोनों सेवन का अगर आप फेस वैल्यू देखोगे बच्चों, दोनों सेवन का फेस वैल्यू देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि दोनों का फेस वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो प्लेस वैल्यू आपका क्या होगा बच्चों, तो प्लेस वैल्यू आपका चेंज होते रहेगा वो, लेकिन फेस वैल्यू क्या है तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। उम्मीद है आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर? चलिए आपको हम मिटा के आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू आपका चेंज होगा, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान आपका बदलेगा, लेकिन जातीय मान कभी चेंज नहीं होगा, जातीय मान कभी चेंज बच्चों नहीं होगा। क्लियर है? आपसे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे दो नंबर क्वेश्चन है कि ये 8 9 6 2 3 ये 1 है। क्लियर? और फिर हमने आपसे बोल दिया कि मैं 2 एवं 9 के पी भी का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, 2 एवं 9 के प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान, कौन सा मान, स्थानीय मान का अंतर बतावें। क्लियर?
क्या बताया बच्चों, अंतर बताएं। तो देखिएगा, दो का अगर आप यहां से निकालोगे तो दो को पकड़ लो भाई, और दो के इधर कितने, दो के इधर कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, दो हैं, तो आप इस पे डबल जीरो बैठा दो, 200 हो गया। आप 9 का निकालोगे तो 9 को पकड़ो, और 9 के इधर कितने डिजिट्स, चार डिजिट्स हैं, चार जीरो बैठा दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, तो दोनों का अंतर, दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछा हुआ है, तो आप इसमें से इस वाले में से 200 घटाना है तो माइनस में क्या हो गया, 200 10 से 2 गया 8, ये 9 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 89,800 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत बड़ा कोई जो है तोप वाला काम नहीं था, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसी में जैसे आपसे हम बोल दिए संख्या, हमने संख्या बोल दिया आपसे कि 7 2 8 9, ये 3 8 4 2 ऐसे है, क्लियर। और इसमें इसमें आपसे बोल दिए कि 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का क्या प्लेस वैल्यू, मतलब क्या स्थानीय मान, 3 का कौन सा मान, स्थानीय मान, एवं 4 का फेस वैल्यू, 4 का कौन सा मान, जातीय मान, 4 का कौन सा मान बच्चों, जातीय मान का अंतर बतावें, का अंतर बतावें, का अंतर बतावें, क्लियर। तो 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू देखिए यहां पे लिखे हैं, तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 3 को पकड़ लो भाई, और 3 के इधर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बैठा दो इधर, क्लियर। और 4 का फेस वैल्यू जब निकालोगे तो किसी अंक का फेस वैल्यू आपका खुद वही अंक होगा, 4 ही हो जाएगा। इसमें से घटाना है, अंतर की बात कर रहा है ना, तो 3000 में से 4 घट जाएगा तो 2900 क्या आएगा, 96 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एंथर आएगा 2996। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू चेंज होगा, और प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्लेस वैल्यू हम लोग जिस भी डिजिट्स का निकालना होगा उस डिजिट को पकड़ लेंगे और उसके दाहिने ओर देखेंगे, दाहिने किधर देखना है, दाहिने ओर देखेंगे, प्लेस वैल्यू को हम बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, स्थानीय मान, दाहिने ओर देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स आएंगे उतना जीरो बैठा देना है, प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। वही फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट्स का हमेशा सेम रहेगा, वो डिजिट्स आपको नंबर में कहीं पर भी दिखाई दे, फेस वैल्यू हमेशा उसका वही डिजिट्स होगा जिस डिजिट्स की बात की जा रही है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हो गया कि जैसे अगर ये सिंपल नंबर है, लेकिन अगर इसमें डेसिमल वाले नंबर की बात आ जाए, डेसिमल वाले नंबर की बात आ जाए तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, क्लियर। तो डेसिमल वाले नंबर को भी हम लोग कैसे बनाएंगे अभी आपको समझाने वाले हैं। बस आप जो है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम क्लास लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप अगर नए हैं, चैनल पर जुड़े हुए हैं, पहली बार आप आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर देंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। दोस्त आप ही के हैं ना, हर दोस्त कमीना नहीं होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी कमीना नहीं होंगे, दोस्त आप ही के हैं तो उनको भी बेनिफिट मिले, तो आप शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है भाई, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे सिलसिला को, और इसमें आपको समझाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये शायद 4 होगा, कि अगर नंबर इस तरीके का हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4 2 7 3 8 9 3 2 9, ऐसे हमने नंबर लिख दिया, क्लियर। अब इसमें अगर हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, मैं आपको निकालना है, देखिएगा समझिएगा, मैं हमको निकालना है, चलिए 2 का फेस वैल्यू एवं 2 का फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू बतावें। अब आप देखेंगे कि नंबर ये डेसिमल वाला है,
इसके पहले जो नंबर्स थे विदाउट डेसिमल, उसमें डेसिमल की बात नहीं थी, लेकिन इसमें डेसिमल की बात है, डेसिमल की बात यहां पर हो रही है, क्लियर। तब दो का निकालेंगे, समझिएगा हमको पहले क्या निकालना है, फेस वैल्यू। और आपको पता है कि फेस वैल्यू नो चेंज, फेस वैल्यू क्या होगा, नो चेंज, कहीं पर भी रहे, डेसिमल वाली नंबर हो या फिर विदाउट डेसिमल वाली नंबर हो, कहीं पर भी बात की जाए वही डिजिट होगा। जैसे हम दो की बात कर ले, इस दो की बात कर ले, तो इस दो का भी फेस वैल्यू क्या होगा, दो ही होगा। और इस वाले दो का भी फेस वैल्यू क्या होगा, एकदम क्लियर समझ लीजिए, एकदम डाउट कोई नहीं रहना चाहिए। दोनों दो जो आपको टू दिखाई दे रहे हैं, दो यहां पे दो दिख रहे हैं, इनका फेस वैल्यू देखिए दशमलव यहां पर है, तो दशमलव के इधर हो या फिर दशमलव के इधर हो, फेस वैल्यू आपका दो ही होने वाला है, क्लियर। जैसे हम तीन की बात करते हैं तो तीन का फेस वैल्यू तीन ही होता, वो इधर है तो भी, अगर तीन इधर भी रहता उस साइड भी रहता तो भी। नौ की बात करें, नाइन की बात करें, तो उसका फेस वैल्यू नाइन ही होगा, नाइन इधर हो तो भी और नाइन उस साइड रहता तो भी फेस वैल्यू नाइन ही होता, कोई डाउट इसमें। फेस वैल्यू नो चेंज, कहीं पर भी रहे चेंज नहीं होगा, जिस डिजिट की हम बात करेंगे फेस वैल्यू वही डिजिट्स होगा, क्लियर है बात। अब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू आपका चेंज होगा, क्लियर। आपको हम नंबर फिर से लिखते हैं 427.329, ये आपका नंबर है, क्लियर है। अब समझिएगा, इसके पहले हम लोग जो नंबर्स देख रहे थे ना, वहां पे डेसिमल की बात नहीं थी, डेसिमल की बातें नहीं थी, लेकिन इस बार आपको डेसिमल की बात है, तो समझ लेंगे आप। जैसे अगर आप समझिएगा, अगर यहाँ पे 427.329 है, इसमें 329 दशमलव का हम इधर लिखे, अगर वो नहीं रहता तो वैसे होता 427 होता, क्लियर। आप यहाँ पे दशमलव डाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 427 लिखिए चाहे 427.00 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने अगर ऐसे नंबर रहता तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 427 ना, तो दशमलव को हटा दी, क्योंकि दशमलव की इधर क्या है, 00 है। तो अगर हम लोग ऐसे नंबर रहता है, ऐसे नंबर, तो इसका हम लोग सीख चुके हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 के उधर कोई डिजिट है ही नहीं। इसमें 2 का अगर आपको निकालना है तो 2 का क्या होगा, तो 2 पे एक 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 के दाहिने ओर, दाहिने ओर कितना है, एक डिजिट है। अगर आपको 4 का निकालना है तो 4 के दाहिने चूंकि 2 डिजिट से, तो 4 का क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बात क्लियर। तो वही बात यहां पर भी है, देखिए ये है डेसिमल और ये है डेसिमल, देखिए ये डेसिमल के क्या हो गया लेफ्ट साइड, क्या हो गया लेफ्ट साइड है, और ये हो गया डेसिमल का राइट साइड, क्लियर। तो जब डेसिमल के लेफ्ट साइड की बात की जाएगी, क्लियर, डेसिमल के लेफ्ट साइड की बात कर दी की जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब कि जिस डिजिट की बात की जाएगी, जिस जैसे हमको 7 की बात करनी है, तो 7 का हमको निकालना हो तो 7 के इस साइड, इस साइड 7 के दाहिने ओर देखिए कि क्या कोई डिजिट्स है, और वो भी दशमलव से पहले, दशमलव किधर नहीं, दशमलव से पहले, तो 7 के दाई ओर दशमलव से पहले कोई डिजिट्स नहीं है, तो आपको 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा, क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से 2 का निकालना है तो 2 लिखेंगे, और 2 के दाहिने ओर कितने डिजिट से, जो दशमलव से पहले, तो एक डिजिट है, तो इसका हो जाएगा 20, क्योंकि एक डिजिट है तो 0 बैठाएंगे। 4 का निकालना है बच्चों, तो 4 लिखेंगे, और 2 डिजिट है इधर दाहिने ओर, दाहिने साइड, तो यहां पे 4 पे 2 0 बैठा देंगे, बात क्लियर हो रहा है, क्लियर। तो ये तो आपको जब लेफ्ट वाले अंक, लेफ्ट वाले अंक का जब क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना है। अब हम दशमलव के राइट साइड वाले डिजिट्स का, किधर का, राइट साइड वाले डिजिट्स का निकालना हो क्या, प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे दशमलव क्लास देखिए, पहले 3 है, तो 3 का निकालना हो तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, दशमलव 3, बस हो गया दशमलव, क्या हो गया, 3 हो गया, बस हो गया आपका प्लेस वैल्यू हो गई। जैसे ये 2 का निकालना हो, तो 2 का निकालना हो तो देखिए दशमलव के बाद ये दूसरा ना है, दूसरा मतलब देखिए दशमलव के बाद से पहला हुआ, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा है तो दशमलव 0 आप फिर दो, देखिए जिस पोजीशन पर है हम उसको उसी पोजीशन पर रखेंगे और बाकी बीच में 0 डालेंगे। 2 का निकालना है क्या, प्लेस वैल्यू,
तो देखिए पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो दशमलव लिख दिए, पहला दूसरा, तो एक जीरो बैठा दिए, और दूसरे पोजीशन पर था तो उसको हम दूसरे पोजीशन पर ला दिए। क्लियर है बात है? जैसे अगर हमको नौ का लिखना है, नौ का लिखना है तो पहला दूसरा तीसरा है, तो दशमलव जीरो जीरो ये नौ, बस हो गया। ये सब हम क्या लिखे हैं? तो ये सब हम लिखे हैं जो भी आपको डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, ऑन द डिजिट्स का हम क्या लिखे हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। क्या लिखे हैं बच्चों? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू की चर्चा हमने यहां पे की थी, यहां पे की थी, देखिएगा फेस वैल्यू की चर्चा हमने यहां पर की थी कि फेस वैल्यू का मान आपको हमेशा मतलब कि सेम रहेगा, डिजिट्स कहीं पर भी रहे फेस वैल्यू सेम होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू बार बार आपका चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर हर एक डिजिट्स का उनके पोजीशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू मिला हुआ। अब आप इस बात को समझिएगा कि ये वाला, ये बात आपको हम पहले समझा चुके हैं, हमें इस बात पर फोकस करना है। तो दशमलव तीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे न रहे तो कैसे करेंगे आप समझिएगा। दशमलव तीन को आप देखिए, दशमलव तीन को आप सुंदर लगने के लिए 0.3 भी डाल सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार दशमलव 02 को अच्छे लगने के लिए 0.02 लिख सकते हैं, और दशमलव 009 को अच्छे लगने के लिए तो 0.009 भी आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये तो आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए, लेकिन बाय द वे आंसर अब आपको ऑप्शन में ऐसे न रहे तब आप क्या करेंगे? तो समझिएगा ऑप्शन में आपको इसको ऐसे दे सकता है, देखिएगा समझिएगा। देखिए दशमलव के बाद से तीन जो है पहला है, तो ये तीन को ऊपर लिख देंगे आप। क्लियर? आ चूंकि ये पहला अंक है तो नीचे एक पर एक जीरो बैठाएंगे, पहला अंक है तो नीचे एक पर एक जीरो बैठाएंगे, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ऐसे भी आप एंसर करेंगे तो भी सही है, और ऐसे भी आप एंसर करेंगे तो भी सही है। क्लियर? इसी प्रकार से जैसे हमको इसका लिखना है, इसका लिखना है तो ये ऐसा आप लिख दिए, ये आपका सही है, लेकिन बाय द वे आपको ऑप्शन में ऐसा न रहे तब आप कैसे करेंगे? तो आप इसको क्या कीजिएगा कि दो लिखेंगे, और दो का पोजीशन पहला दूसरा है ना, दूसरा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है तो नीचे एक पर दो जीरो डाल देंगे। क्लियर? और वैसे भी आपको दशमलव हटाने आता हो तो दो के बाद से देखिए दो, नहीं आप समझिएगा, दशमलव के बाद से दो डिजिट से तो दो लिखकर नीचे, चूंकि दो अंक है तो एक एक पर दो जीरो बैठाया जाता है, आपको मैथमेटिक्स में ऐसा आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। क्लियर? अगर हमको नौ का निकालना है तो नौ का आप ऐसे निकाले हैं सही है, नौ का आपको ऐसे निकाले हैं सही है, लेकिन बाय द वे ऑप्शन में ऐसा न रहे कैसे निकालेंगे? तो नौ लिखेंगे बच्चों, और चूंकि तीसरा पोजीशन है पहला दूसरा और ये तीसरा दशमलव के दाएं ओर तीसरे पोजीशन पे ना है, तो एक पर कितना जीरो बैठाएंगे? तो एक दो और तीन, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, अगर ये ना देकर ये दे दे तो ये सही है, अगर ये दिया तो ये सही है। क्लियर? ऐसे नंबर लिख दे और आपसे पूछ दे कि नौ का क्या बताइए स्थानीय मान, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे नंबर लिखकर दो का स्थानीय मान पूछे तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे नंबर लिख के तीन का स्थानीय मान पूछे तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात क्लियर है? कैसे लिखेंगे बच्चों? तो बस हमको देखना है पोजिशन, कौन सा अंक किस पोजीशन पर है, दशमलव के दाहिने और पहले पोजीशन पर है तो आप दशमलव के बाद से पहले पोजीशन को दे दीजिए, दशमलव के दाहिने और दो जो है टू जो है दूसरे पोजीशन पर है, तो देखिए दूसरे पोजीशन पर हमने रखा है उसके लिए हमने बीच में एक जीरो डाल दिया, दशमलव के दाहिने और नाइन जो है तीसरे पोजीशन पर है तो हमने तीसरे पोजीशन पर रखा है उसके लिए हमने बीच में कितने जीरो डाल दिए, दो जीरो डाल दिए। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, और ऐसे न लिखकर आप बट्टा में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट आप जरूर कीजिए, बताइए कि हमें यहां पे आपको दिक्कत हो रहा है। क्लियर? शेयर कर देना है बच्चों, वीडियो को आप शेयर निश्चित रूप से कर देंगे, जो भी आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे बताएंगे। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है मैथ्स विहार टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप जुड़ के आप जो है
जो भी अपडेट्स हैं वो आप समय समय पर पा सकते हैं, निश्चित तौर पे आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वहां पर टेलीग्राम चैनल में आपको जो हमारा है वहां पर आपको हम क्वेश्चन डाल देंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिया जाएगा। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।